Question given है रवि एंड मुकेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3. दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर विच ही took 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश. फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अभी क्या इसमें क्वेश्चन में बस क्या है, रवि और मुकेश दो पार्टनर्स हैं फॉर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 7:3 और ये एडमिट कर रहे हैं अशोक को 3/7 शेयर के लिए, जिसमें से जो ये 3/7 शेयर के लिए जो आ रहा है इसमें से 2/7 वो किससे ले रहा है, रवि से, और 1/7 ले रहा है मुकेश से. तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, कैलकुलेट करना है. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तीन पार्टनर्स के नाम लिखे रवि मुकेश और अशोक. ओल्ड है रवि का, ओल्ड है हमें पहले क्वेश्चन में गिवन था 7:3 रेशियो अशोक रवि और मुकेश की. तो यहाँ पे ओल्ड इसका क्या हो जाएगा, रवि का 7/10 और मुकेश का 3/10. और ये क्या, रवि क्या कर रहा है अपने शेयर में से 2/7 दे रहा है अशोक को, तो हम माइनस कर देंगे 7/10 - 2/7. तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालने के बाद इसमें ऊपर का आ जाएगा 49 - 20 और अपॉन में 70. तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29/70. तो ये क्या हो गया, रवि का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 29/70 और मुकेश ने भी अपने शेयर में से 1/7 अशोक को दिया है. तो यहाँ इसको कितना मिलेगा, 3/10 - 1/7 कर देंगे. तो यहाँ पे भी हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 7 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 70, 10 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 को 3 से इंटू करेंगे तो 21 और यहाँ पे भी ऐसे ही 7 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 10 और 1 को इंटू करेंगे 10 से तो 10. तो यहाँ माइनस करने के बाद 21 - 10 डिवाइडेड बाय 70 तो न्यू रेशियो मुकेश का आ जाएगा 11/70 और अशोक आ रहा है 3/7 शेयर के लिए, इसका तो शेयर यही रहेगा लेकिन हमारे पास यहाँ नीचे किसका है 70, इसका भी 70 तो हमें भी इसका 70 बनाना पड़ेगा. तो इसलिए हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों को 10 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका 30/70. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 29:11:30 तीनों पार्टनर्स का, रवि मुकेश और अशोक का.